बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज हम एक्सरसाइज 3.1 जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। इसे हमने जो हमारे पास बेस की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने डेसिमल सिस्टम में लेके आना है। तो इसे हमने किस तरह करना है ये आप देखिए। क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है 101 के साथ 2 बेस। अब 2 बेस को लेके हमने बाइनरी सिस्टम जो है इसे हम कह सकते हैं उसकी बेस 2 है। बाइनरी सिस्टम को लेके जब हमने चलना है साथ, तो इस तरह से हम करेंगे ये क्वेश्चन कि हमने इन नंबर्स को, जैसे कि 1 है, सबसे पहले 1 लेना है, उसे हमने मल्टीप्लाई करना है बेस के साथ, फिर प्लस करेंगे हम, फिर नेक्स्ट नंबर जो है वो है 0 लेंगे। आपने इसे राइट से शुरू करना है और अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है इसे, फिर 0, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस और फिर 1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह आपने ये सब कंप्लीट किया। अब इसके बाद अब आपने इसकी रेशो सॉरी इसकी पावर जो है वो राइट करनी है। पावर इस तरह से आपने इसे राइट करनी है, 0 से स्टार्ट करना है आपने इसे। तो ये देखिए, यहाँ से 0 इसके ऊपर आपने यहाँ से राइट से अब लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। पहले हमने लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आए थे, अब राइट से हमने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। इसके ऊपर पावर 0 से आपने स्टार्ट करनी है। आप जानते हैं कल मैंने बताया था कि बाइनरी सिस्टम में हम जो है वो स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 उसके बाद 1 और ये 2। नेक्स्ट जो है, जिस नंबर की पावर जो है हमारे पास 0 हो, कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, ये लॉ है हमारे पास इस तरह से, n जो है अगर उसकी बार 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह से अब ये देखें, 1 मल्टीप्लाई 2 की यहाँ पे पावर क्या है, 0, मतलब कि ये 1 है। उसके बाद जब कोई भी नंबर किसी, जब 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, सॉरी 1 या 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे, उसके बाद प्लस, क्योंकि ये 0 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो तो ये इसे 0 ही करेगा। अब नेक्स्ट 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम करेंगे, 2 2 4 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट हम इसे राइट करेंगे, 4 1 4 प्लस 0 प्लस 1 1 1। अब हमने इसे ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 5। तो हमने इस तरह से जो बाइनरी सिस्टम था उसे हमने सॉल्व किया और हमने इसे डेसिमल सिस्टम में चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखें, उसमें बेस 5 जो है वो हम यूज कर रहे हैं, वो है 2 0 4। अब इसे हम इस तरह से राइट करेंगे जी, अब 2 को मल्टीप्लाई जो बेस है उसके साथ करते जाएं, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। अब हमने पहले लेफ्ट से हम राइट की तरफ आए हैं, अब राइट से हमने इसकी पावर को इधर लेफ्ट की तरफ लेते जाना है। 0 से स्टार्ट करना है हमने, 0 1 2 एंड 3 जी। अब इसके बाद हमने जब इसे किया तो अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब जिस नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस, और ये हमारे पास 5 है तो इसकी पावर जो है चाहे 2 है ये 25 बनेगा, लेकिन जब 0 के साथ होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। प्लस जी, अब हमने 5 को, ये मैं इधर रफ कर रही हूँ, 5 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका, 5 5 25 और 25 5 125। जी 125 हमने यहाँ पे राइट किया और इसे 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है,
फोर वन का फोर प्लस फोर फाइव का 20 प्लस ये तो जीरो में कन्वर्ट है तो इसे जीरो रहने दें और साथ 125 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 250। ये आप घर में कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 250, अब इन सब को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 250 को जब हमने प्लस किया इसमें 20 और 4 जो किया 24 प्लस करने के बाद ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 274 जी। इसे भी हमने डेसिमल सिस्टम में चेंज कर दिया है। अब हम लास्ट करेंगे इसका एट हमने बेस हमारे पास जो एक्चुअल सिस्टम होगा उसको हमने कैसे जो है वो चेंज करना है, जिसकी बेस 8 है उसे हमने कैसे चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। इसका भी सेम वही तरीका है जो हमने ऊपर किया है। इसके लिए आप करोगे जी 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, फिर ऊपर पावर्स की राइट करेंगे 0 1 2 एंड 3। ये वैसे ही बिल्कुल के जिसकी पावर 0 है वो तो 1 के इक्वल है, प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 तो 8 की पावर 2 जो है, इसका मतलब ये है कि 8 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब 8 पर जो है हमारे पास वो 8 की बार 3 का मतलब है कि हमने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है कि 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 512। 8 8 को मल्टीप्लाई किया तो 64 64 को 8 से करेंगे तो 512 मल्टीप्लाई 2 जी। अब हमने इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारे पास 0 प्लस 6 8 48 प्लस 64 3 192 प्लस 512 मल्टीप्लाई 2 1024। अब इन सब को आप कैलकुलेटर से घर में प्लस कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1264 जी। आज हम इतना ही करेंगे और डायरी जो है वो आपकी ये है कि उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई है आपको, तो डायरी जो है सेम क्वेश्चन नंबर 1 आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है घर में प्रैक्टिस, लेकिन जो होमवर्क में आपने करना है एज अ डायरी तो वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपने थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और 8 पार्ट जो है वो आपने करना है एज अ होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।